वो उसका नाम लेते थे नवधा तुष्टि। नौ तरह से जो आदमी को संतोष होता है वो साधना में विधि। नवधा तुष्टि का वर्णन महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में है और सांख्य दर्शन के मूल सूत्र में ही नवधा तुष्टि का वर्णन। जैसे किसी को ये अभिमान हो जाए कि हम बड़े ऊंचे कुल में पैदा हो गए, बड़ा पवित्र बड़ा उत्तम कुल है, अब बस इससे आगे और क्या, इससे बढ़ के और क्या है, खानदान का अभिमान है। तो तुम्हारे अंतकरण को वंश का अभिमान परमात्मा के पास नहीं पहुंचा सकता। यदि वंश के अभिमान के कारण आप बुराई को छोड़ो तो हम इतने उत्तम वंश में होके और झूठ बोलें, छल करें, कपट करें, तब तो वंश के अभिमान ने आपकी रक्षा की बचाए, और यदि उतने में ही संतुष्ट हो गए तो वंश का अभिमान भी बहुत खोखला होता है। उसकी जड़ में यदि जाए, एक नास्तिक ने आक्रमण किया है, इस संसार तो अनादि काल से चल रहा है और लोगों का अपने मन के काम पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, और स्त्री पुरुष के संबंध से ही ये संसार चलता है, तो इसमें तुम्हारा जो वंश का अभिमान है, खानदान का, वो कहाँ तक सही है, इसको ईश्वर ही जान सकता है, क्योंकि दादा दादी और नाना नानी की पहले की जो पीढ़ियां हैं वो कितनी हैं इनकी तो गिनती, सच बतावें तो ईश्वर को भी याद नहीं है ना, क्योंकि जब आदि है ही नहीं, आदि होती और ईश्वर को याद ना होती तो ईश्वर का दोष होता, जब आदि है ही नहीं
तो वो ईश्वर को भी याद कहाँ से होगी। तो खानदान का अभिमान यदि तुम्हें दुर्गुण से दोष से बचाने के काम में आता है तब तो वो ठीक है, साधन के अनुकूल है, और नहीं तो दूसरे को छोटा समझते समझते तुम खुद छोटे हो जाओ। एक बात है कि हम बड़े अच्छे स्थान में रहते हैं, हम पहुंच गए धाम में, हम तो इतने उत्तम तीर्थ में रहते हैं, गंगा किनारे रहते हैं, यमुना किनारे रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, काशी में रहते हैं, उत्तम स्थान में रहने का अभिमान। तुष्टि बात तब हमको क्या करना है, तो ये सोच के जो साधन भजन छोड़ देता है वो, हम उत्तम स्थान में रह रहे हैं तो हमको भजन करना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन हम उत्तम स्थान में रह के अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब ऐसा सोचने लगते हैं तो वो उत्तम स्थान ही विघ्न बन जाता है। किसी किसी को उत्तम गुरु मिल जाने का अभिमान रहता है, हमारे गुरु गुरु तो बिल्कुल भगवान स्वरूप हैं, भगवान को प्राप्त हैं, अरे होंगे वे भगवान, चाहे भगवान को प्राप्त होंगे, बाप दादा की दसों अंगुलियां घी में होने से कोई नाते ही पोते भी घी खाते हों, ऐसा नहीं होता है। उत्तम गुरु मिलने का फल है कि उत्तम साधना करी जाए, उनकी आज्ञा के अनुसार चला जाए, उनके सामने अपने मैं को बढ़ावा से दिया जाए। उत्तम गुरु प्राप्त करके अपने मैं की उत्तमता का अभिमान नहीं होना चाहिए, बल्कि गुरु की उत्तमता को स्वीकार करके उनकी आज्ञा के अनुसार, ये नहीं कि उनके मन में तो यही है, मैं समझता हूँ, बताते नहीं है गुरु जी, बताते नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके मन में यही है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। इसमें भी देखो अपना अंतर्यामी बना हुआ, गुरु जी तो संकोची हुए, बोलते नहीं हैं और मैं अंतर्यामी हूँ, उनके मन की बात जानकर कर रहा हूँ। जहाँ अपने मैं की श्रेष्ठता आई, उत्तम गुरु की आज्ञा मानो, उनका बताया हुआ साधन करो, उनके बताए हुए आज्ञा को धर्म माना जाता है शास्त्र में, ये नहीं कि ये गुण है और ये दुर्गुण है और ये सदाचार है ये कदाचार है, अपने मन से नहीं, जो अपनी वासना से है वो दुर्गुण है और जो गुरु की आज्ञा से है वो सद्गुण है। धर्म का मूल आज्ञा का पालन है, धर्म का मूल वस्तु की या क्रिया की या भाव की अच्छाई बुराई नहीं है, ये तो साइंस हुआ कि बाहर का देखा और भीतर अपना धर्म बनाया, और ये साधना है कि बाहर की वासना मुड़ी और उसको संयम में लिया और धर्म किया, भीतर की वासना पर नियंत्रण लगने से धर्म होता है और बाहर की चीजों की अच्छाई बुराई देख के उनको ग्रहण और त्याग का नाम साइंस होता है, वो आयुर्वेद है, वो धर्म नहीं है। साइंस से आयुर्वेद निकलता है और धर्म शास्त्र से अपने अभिमान, अपने मन, अपनी वासना, अपनी इंद्रियों का संयम होता है।
वेशभूषा धारण कर ले, नंगे रहने लग गए। ले अब हमारे बराबर और कौन है। एक सज्जन बहुत बरसों से नंगे रहते हैं, उनसे पूछा तुम्हारा अनुभव क्या है। महाराज में जाड़े में भी वस्त्र नहीं छूता हूँ, मैं बद्रीनाथ हुआ था, बड़े से हुआ। अरे बाबा मैं पूछता हूँ तेरे भीतर अनुभव क्या है, परमात्मा का कुछ अनुभव है, सत्य का कुछ साक्षात्कार है। अब लोगों की दृष्टि में तो वो नंगा रहने वाला, कपड़ा न पहनने वाला बड़ा भारी है, लेकिन भीतर भीतर तो वो शून्य है, वही मूर्खता है, वही मृत्यु का भय है, वही शरीर का बड़प्पन है। मैं विरक्ति, तू विरक्ति, तो ये साधना का क्षेत्र नहीं है। बोले अपने मन से कोई उपाय किया, थोड़ी देर के लिए चित्त विश्राम में आ गया, शांति आ गई। बोले हाँ क्या पूछना, हमारी तो समाधि लग गई, ये समाधि तुमको नरक में ले जाएगी। सीधी बात है, जब अपने मन पर आदमी विश्वास करने लगता है तो सबसे बड़ा खतरा उसके जीवन के लिए पैदा हो जाता है, क्योंकि आज वो अच्छी बात पर विश्वास करता है, कल ऐसी जगह ले जाएगा। यही एक सेठ रहता था वो मुंबई, अब से कोई 40 वर्ष पहले की बात, तो उसको फीचर आते थे उसके सपने में। फीचर कुछ होता है अमेरिकन से कुछ आता है, आंकड़े वांकड़े के साथ, तो उसको रोज सपने में आ जाता था कि आज ये आ गया, हमारे सामने 10 लाख से 20 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ। एक दिन महाराज ऐसा सपना आया, एक दिन के सपने में ही सारा बंटा ढार हो गया, मकान तक बिक गया, लोटा थाली तक बिक गई, दूसरे के घर में रहने के लिए शरण लेनी पड़ी। न कुर्या करहिचित सख्यम मनसि यनवस्थित यद विश्रम्भा चिरा चीर्णम चस्कंद तप ऐश्वरम। ये भागवत का श्लोक है। अपने मन से दोस्ती कभी न जोड़े। न कुर्या कर विचित सख्यम मनसि यनवस्थिते, क्योंकि मन एक सरीखा नहीं रहता है। विश्रम्भा चिरा चीर्णम चस्कंद तप ऐश्वरम। टीकाकारों ने इसका अर्थ दूसरा किया है, तो साफ साफ श्लोक बोलता है इस मन पर विश्वास किया शंकर ने कि मोहिनी चाहे कितना भी सुंदर रूप धारण करके आवे, मेरे मन में काम नहीं आवेगा, मैंने काम को जला दिया है। परंतु इस मन पर विश्वास करने के लिए शंकर जी का चिर संचित तप नष्ट हो गया। जद विश्रम्भा चिरा चीर्णम चस्कंद तप ऐश्वरम। ईश्वर की तपस्या की यह हालत हुई कि चिरकाल तक काम को जलाने के बाद जो शक्ति संचित थी उनके जीवन में, वो सारी की सारी बह गई। इसलिए ये मन विश्वास करने योग्य नहीं है। मैंने एक बंगला के ग्रंथ तापस माना, ये अगर दूसरे की आज्ञा से कोई गलत काम भी करेगा तो उसका कर्तापन जो है वो नहीं होगा, और कर्तापन नहीं होगा तो वो कर्म कर्ता के साथ नहीं सकेगा। उसके साथ तो आज्ञा पालन का कर्तृत्व तो सकेगा जो कि पूर्ण होगा, धर्म होगा, और कर्म का कर्तृत्व तो उसके साथ नहीं सकेगा। लेकिन यदि कोई अपने मन से बढ़िया काम भी करेगा तो उसको अभिमान होगा कि हमने कैसा बढ़िया काम किया है,
और फिर वो अपने मन से कोई ऐसा काम कर बैठेगा, क्योंकि सर्वारंभा ही दोषेण भूमि नाग निर्वावृता, ऐसा कोई काम नहीं है जिसके करने में कोई न कोई दोष न हो। तो आदमी एकांगी हो जाता है, काना हो जाता है, काना उसकी आंख एक पहलू देखती है दूसरा पहलू नहीं देखती है। इसका फल ये होता है कि वो गलत रास्ते पर चला जाए। इसलिए धर्म का रहस्य है 14 लक्षणों को धर्म आज्ञा से प्राप्त और शुभ फलदायी जो कर्म है उसको धर्म कहते हैं। आज्ञा से प्राप्त, अब इसमें ये नहीं कि जिससे अभ्युदय निश्रेयस हो सो धर्म है। अभ्युदय निश्रेयस धर्म करने के बाद मालूम पड़ेगा कि पहले मालूम पड़ेगा? अभ्युदय निश्रेयस तो फल है, जब फल मिलने पर धर्म का पता चले तो धर्म किस काम का? धर्म का पता तो पहले ही चलना चाहिए ना। तो आज्ञा से क्रियमाण धर्म की उत्तमता का पता चलता है। तो अपने मन की पसंद जो है वो साधना के मार्ग में, धर्म के मार्ग में हानिकारक होते हैं। एक बहुत बड़े सज्जन, नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, जब विलायत जाने लगे पानी के जहाज जाते थे, प्रचार करने जा रहे थे धर्म का ज्ञान का। पहले ही दिन एक सज्जन उनको मिले जहाज पर, बाबा जी वहां खाओगे क्या? अरे मैं सब कुछ खा सकता हूँ, ना मुझे पाप होता है ना पुण्य होता है, मैं सब कुछ खा सकता हूँ। अच्छा आप मांस खाएंगे? हाँ खा सकता हूँ। अपने साथ बैठाया, पहले ही दिन उन्होंने मांस खाया। दूसरे दिन पूछा, क्यों बाबा जी गोमांस खा सकते हो? कहा क्यों नहीं खा सकते, हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप हैं, हमको कोई पाप पुण्य थोड़ी लगता, तो गोमांस भी खा ले। अब आप सोचो, उन्होंने तुम ब्रह्म मैं ब्रह्म इसका प्रचार तो उन्होंने वहां जरूर किया होगा, लेकिन उसमें कहीं भारतीय संस्कृति कि वहां वैदिक संस्कृति इसका प्रचार हो सकता है? अपनी वासना से किया हुआ जो स्वच्छंदता है, जो अपने मन में आया सो खा लिया, जो मन में आया सो पी लिया, चाहे जिसका अभिमान कर लिया, इसी से लोग वैदिक धर्म का रहस्य समझने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। उनके मन में जो पसंद आया उसके पक्ष में जुक्ति आ गई। हम आपको अपना अनुभव सुनाते हैं। लोगों को मालूम हुआ कि ये अमुक की निंदा सुन सकते हैं। अब महाराज 10 आदमी उसकी निंदा करने वाले आए और हमको घेर के उसमें ये गलती है, ये गलती है, ये दोष है, ये दोष है, ये सुनाने लगे। हमने कहा नहीं, वो बात बढ़िया है, तुम लोग सब भाग जाओ। तो लोगों को मालूम पड़ा कि वो निंदा पसंद नहीं करते हैं, तो तारीफ करने वाले आ गए। तो उसके अंदर ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। हम जैसे होते हैं ना, हमारे आसपास के लोग वैसे बन जाते हैं। तो यदि मनुष्य के मन में अपने मन की वासना को देखने समझने
और उसको कम करने की इच्छा हो तो मनुष्य सन्मार्ग पर चल सकता है। तेन गच्छेत सताम मार्गम तेन गच्छन न ऋष्यति येनास्य पितर हो जाता। मनु जी कहते हैं मनुस्मृति कष्ट हो येनास्य पितर हो जाता जेन जाता पितामह तेन गच्छेत सताम मार्गम तेन गच्छन न ऋष्यति। जिस मार्ग से अपने पिता चले हैं पितामह चले हैं उसी मार्ग से चलना उत्तम होता है, वो सन्मार्ग है। यदि उस मार्ग से चलने में कभी अपने पांव फिसल भी जाएं तो लोग कहेंगे कि भाई वो तो कोशिश कर रहा था अपने पुराने सनातन मार्ग से चलने का, हाँ चलने में उसके पांव कहीं फिसल गए होंगे। ये बात दूसरी है। बात क्या है, आप जरा अपने एक मन को एक बार टटोलिए, आप चाहते क्या है, अपने मैं का आभूषण चाहते हैं, श्रृंगार चाहते हैं, आपकी अपनी तारीफ चाहते हैं, आपका अपना जश चाहते हैं, आप अपने मन का काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से दूसरा कोई नहीं देख सकता, अपने दिल को टटोल के देख लीजिए क्या आप ईश्वर को चाहते हैं। एक बाप का एक बेटा, उसका और बड़ा जोर दे मारा कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मैं सन्यासी बनूंगा, आप आज्ञा दे दीजिए। अब उसके माँ बाप के दूसरा कोई नहीं। मैंने उससे एक दिन पूछा, अच्छा मान लो तुम तो हो जाओ सन्यासी और तुम्हारे माँ बाप को पुलिस वाले पकड़ के ले जाए किसी कारणवश, तो वो जेल में जाएंगे तो उनको छुड़ाने के लिए तुम फिर लौट के आओगे कि नहीं। कहा हम सन्यासी हो गए, ले जाए ले जाए। मैंने कहा नहीं, कल परसों जरा अपने दिल को सोचो, कहीं तो स्नेह का बंधन है, कहीं तो मोह का बंधन है, और मगर ये सोच के तो हमारा दिल कांप जाता है। आप चाहते क्या है, क्या आप सचमुच संपूर्ण दृश्य प्रपंच को छोड़कर अपने स्वरूप में बैठना चाहते हैं, ये वेशभूषा काम नहीं आवेगी, ये बाहरी त्याग बैराग काम नहीं आवेगा, ये साधु लोग जो मिनी स्कर्ट पहन पहनते हैं ये मिनी स्कर्ट पहन के न कोई दृष्टा में स्थित हो सकता, न ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता, न ईश्वर में लीन हो सकता। उसके लिए अपने हृदय की एक बनावट होनी चाहिए। आप जितने प्रेम से धन चाहते हैं, आप जितने प्रेम से अपने रिश्तेदारों को चाहते हैं, आप जितने प्रेम से भोग चाहते हैं, आप जितने प्रेम से अपना जस चाहते हैं, आप जितने प्रेम से अपने मैं का बड़प्पन चाहते हैं, क्या उतने प्रेम से आप ईश्वर को चाहते हैं। ये बात हमारे बताने की नहीं है, दूसरे के बताने की नहीं है। दृष्टा के भेद से हृदय का भेद नहीं होता, हृदय के भेद से दृष्टा में भेद होता है। ये योग शास्त्र की ये प्रक्रिया है, वेद सांख्य शास्त्र की प्रक्रिया, वो पुरुष को अनेक सिद्ध करने के लिए अंतःकरण की अनेकता सिद्ध करते हैं,
अलग अलग जन्म है, अलग अलग मरण है, अलग अलग अंतकरण है, अलग अलग प्रवृत्ति है, तो ये सब तो अंतकरण के धर्म है। अंतकरण के भेद से दृष्टा का भेद सिद्ध करते हैं, इसलिए एक अंतकरण के साथ एक दृष्टा का संबंध होता है। अच्छा, तब जोगी लोग दूसरे के मन की बात कैसे जान जाते हैं? ये प्रश्न जोगियों के सामने ही है, क्योंकि वे दृष्टा को मानते हैं विभु और उसका केवल एक अंतकरण से संबंध मानते हैं। तो कहते हैं कि जब अंतकरण शांत होता है, सत्वावस्था में पहुंचता है, तो संपूर्ण विश्व का अंतकरण एक हो सकता है, हो जाता है, इसलिए वो दूसरे के अंतकरण की बात जान सकता है। लेकिन दृष्टा तो तब अपने स्वरूप में होगा ना जब निरोध हो, तो वो तो व्यष्टि समष्टि दोनों अंतकरण का निरोध होने पर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है, इसलिए दूसरे के मन की बात पूरी तरह से दूसरा कोई नहीं जान सकता। आप अपने अंतकरण के साक्षी हैं, बाहरी बातों के चक्कर में मत आइए। दूसरे लोग आपके अंतकरण का केवल अंदाज कर सकते हैं, संभावना बना सकते हैं, और वैसे अवसरों पर अपने मन में जैसी बात आती है वैसी आपके मन में भी सोच सकते हैं, परंतु दूसरे अंतकरण का दूसरा विभु दृष्टा संपूर्ण ज्ञाता नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ये देखना कितना चाहते हैं संसार को और कितना चाहते हैं ईश्वर को, आप कितना बड़प्पन देना चाहते हैं अपने मैं को और कितना बड़प्पन देना चाहते हैं परमेश्वर को। आप बिल्कुल सच समझो, जब आप पैनी नजर से देखोगे, तीखी नजर से देखोगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे, विवेक पूर्ण दृष्टि से देखोगे, आप तो अभी ईश्वर के महत्व को ही नहीं समझते, उसको चाहेंगे कहां से? यदि ईश्वर के महात्म्य को समझते, एक महात्मा ने दृष्टांत दिया है, एक कामी पुरुष था, महान कामी था, अनाचारी, रात को सोया, उसको मालूम पड़ गया कि इस पर्दे की आड़ में जो स्थान है उस पर विश्व की सबसे सुंदरी स्त्री सोई हुई है, उसमें रह रही है। अब रात को उसको नींद नहीं आ रही, यही चाहे कि कैसे इस पर्दे को फाड़ दें, कैसे इस आवरण को भंग कर दें और कैसे हम जा करके उस विश्व सुंदरी से मिल जाएं। रात पर नींद नहीं आ रही। एक पुरुष था, वो एक कमरे में सो रहा था, उसको मालूम हुआ कि संसार का सबसे बड़ा हीरा और इस किवाड़ के भीतर रखा हुआ। अब वो सोचे कि कैसे हम किवाड़ तोड़ें, कैसे उस हीरे को लें और कैसे यहाँ से भाग जाएं। रात को नींद नहीं आई। तो जब हीरे की महिमा का बड़प्पन का ज्ञान होता है, जब स्त्री के बड़प्पन का ज्ञान होता है, तब मनुष्य के मन की चाह ये रूप धारण कर लेती है और आपको मालूम पड़ेगा कि वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि का सर्जनहार है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जो सारी सृष्टि को भोजन पान देता है, जो सारी सृष्टि के संहार में समर्थ है, जो सर्वज्ञ है, जो अंतर्यामी है,
जो देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, अविनाशी है, परम सुंदर है, परम मधुर है, उससे बढ़िया सुगंध और कहीं नहीं, उससे बढ़िया स्वाद और कहीं नहीं, एस सर्वरस सर्वगंधा, सारा सौरभ उसके भीतर है, सारा माधुर्य उसके भीतर है, सारा सौरस्य उसके भीतर है। इतना सुकुमार और कोई नहीं, इतना सुकुमार और कोई नहीं, इतना मधुर संगीत और कहीं नहीं, वो परमेश्वर कहाँ है? वो परमेश्वर आपके हृदय में, आपके हृदय में। और सच पूछो तो आपके और उसके बीच में कोई पर्दा नहीं है, वो सर्वज्ञ, वो सर्वशक्तिशाली, वो सर्वांतरजामी, वो परमेश्वर आपके हृदय में, वो आपसे दूर नहीं है, उसके मिलने में कोई देर नहीं है, वो दूसरा नहीं है, केवल मुख कर गया है, हम उससे विमुख हो गए हैं, उसकी ओर नहीं देखते। इसलिए दुनिया की चीजों को पाने के लिए, ढूंढने के लिए, भूख से प्यास से तड़प करके ये चाहिए, ये चाहिए, गृह पशु ज्यों दिन प्रति सिर पदत्राण बजे, तदपि अधम विचरत ते मार्ग अजहुन मूठ लजे, मेरो मन हरिजू हठन तजे। ऐसा हठीला है ये मन कि इसको जब देखो जब संसार चाहिए, जब देखो जब रुपया चाहिए, जब देखो जब भोग चाहिए, जब देखो जब रिश्तेदार नातेदार चाहिए, जब देखो जब चेला चाटी चाहिए। भूख से संसार की वासना से, प्यास से व्याकुल हो करके दरवाजे दरवाजे पर भटक रहा है, और जहाँ जाता है वहाँ इसको मिलता कुछ नहीं है, अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, अपने मन से संतोष की बात सोच लेता है। स्त्री समझती है हमारे सामने ये पुरुष कितना दीन हो गया है, दाता समझता है ये ममता कितना नीचे गिर गया है। लेकिन तदपि अधम विचरत पे ही मारक, फिर भी हमारा मन उसी रास्ते पर जाता है, उसी रास्ते पर जाता है। अजहुन मूड लगे, इस मूड को अब भी शर्म नहीं आती कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो थोड़ा गंभीरता से दूसरे के बारे में आप सोचते हैं कि अपने बारे में? दूसरा नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा, इसका फैसला आप बहुत जल्दी कर देंगे। दूसरा पापी है कि पुण्यात्मा है, इसका फैसला आप बहुत जल्दी कर देंगे। दूसरा अच्छा है कि बुरा है, इसका फैसला आप बहुत जल्दी कर देंगे। पर अपने बारे में आप फैसला क्यों नहीं करते? आपकी स्थिति कहाँ है? आपका आत्मनिरीक्षण कहाँ है? दूसरे लोग कहते हैं वाह वाह वाह, तारीफ कर दी, बड़े भारी, बड़े भारी सेठ हैं, बड़े भारी सज्जन हैं, बड़े भारी भगत हैं। सेठ सेठ होने पर भी पैसे का प्यासा है, क्या वो ममता नहीं है? एक भिखारी था, उसका नियम था कि रोज जितना खर्च हो जाए, अपने काम आ जाए खाने के लिए, उतना ही ले, ज्यादा नहीं। एक कहानी मैंने 17-18 बरस की उम्र में पढ़ी। एक दिन उसके पास 2 पैसे ज्यादा आ गए, खर्च नहीं हुए, रात को गांठ बांध दी। अब दूसरे दिन
उसने अपने साथ वाले से पूछा कि हमारे पास कुछ पूंजी इकट्ठी हो गई है, इसको किस काम में खर्च करें। उसने पूछा पड़ोसी ने कितना है, बोले दो पैसे। बोले हमारे पास तो चार आने हैं। दूसरे ने बताया हमारे पास दो रुपए हैं, हमारे पास 200। किसी ने हंस के कहा कि देखो ये तुम अपनी पूंजी खर्च करने के लिए किसी विद्वान के पास जाओ, उससे पूछो कि क्या करें। किसी पंडित के पास गया, पंडित बोला कि हम तो कोई व्यवस्था देते हैं तो 2 रुपया पहले दक्षिणा ले लेते हैं तब व्यवस्था देते हैं, वहां से भी लौट। एक ने कहा क्या बेवकूफी करता है, मूर्खता करता है, जो तुझसे गरीब लगे, तुझसे दुखी लगे उसको दे दे। अब वो तलाश करने लगा कि मुझसे ज्यादा गरीब है। इतने में खबर आई कि एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण कर रहा है, बड़ी भारी फौज आगे गई है और राजा पीछे रथ पर बैठ करके युद्ध करने के लिए स्वयं जा रहा है। उसने कहा ये युद्ध, बोले दूसरा राजा बड़ा धनी है, उसके पास हीरे मोती बहुत है, बड़ी संपदा है, तो इसने इसलिए धावा बोल दिया है कि उसका धन हमको मिल जाए। अरे भाई तो लड़ाई होगी तो खून खराबा होगा, सैकड़ों आदमी मरेंगे, वो तो होगा। बोले तो उसको पैसे की इतनी जरूरत है कि दूसरों को मार के, लड़ाई करके, खून खराबा करके, दूसरे राजा को पकड़ के वहां से धन प्राप्त करे, कहां इतनी जरूरत है। बोले फिर तो इससे गरीब दुनिया में और कोई। अब वो महाराज चल के उस रास्ते में जाके बैठा जहां से राजा का रथ गुजरना था, और जब राजा साहब आए तो 2 पैसा गांठ से खोल के और ले जाके उनके सामने पेश कर दिए। क्यों रे 2 पैसे, हमको लोग हीरा मोती देते हैं साल में भर के और तू हमको 2 पैसा देता है, क्यों देता है। बोले महाराज मैंने सुना कि आप जैसा गरीब दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए आपको दे रहा हूं। मतलब मैं गरीब हूं। अरे जब आप धन के लिए दूसरों को मारेंगे, पीटेंगे, पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, हत्या करेंगे तो आप गरीब नहीं है तो धनी है महाराज। राजा देख गए, 5 मिनट विचार किया और वहीं से आज्ञा दे दी कि हमारी फौज लौट चले, अब हम दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये कहानी टॉलस्टॉय की है। बोला मैंने टॉलस्टॉय की प्राय सारी कहानियां पढ़ी थी, रविंद्रनाथ ठाकुर की, शरद चंद्र की, प्रेमचंद की, बंकिम बाबू की। सतु भवति दरिद्रो जस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे ऊर्ध्वान गो दरिद्रः। संसार में दरिद्र कौन है, जिसके हृदय में विशाल वासना है, तृष्णा है, तृष्णा है। मनसि च परितुष्टे ऊर्ध्वान गो दरिद्रः, यदि अपना मन संतुष्ट है तो न दुनिया में कोई धनी है न कोई गरीब है, किसी की पूंछ बनने की कोई जरूरत नहीं, किसी के पीछे दीनहीन बनने की कोई जरूरत नहीं। भगवान सबको रोटी, जिसको पेट दिया है उसके लिए भगवान ने रोटी बनाई हुई है, जिसको ये शरीर मिला हुआ है, जिस कर्म से ये शरीर मिला है उसी कर्म से इस शरीर का भोग भी मिला है, जिस कर्म से जीवन मिला है उसी कर्म से इस शरीर की मृत्यु भी मिली है। ये तो मनुष्य की मानसिक कमजोरी है जो इधर उधर, जैसे गृह पशु इधर उधर भटकता है, भटक रहा है, उनसे ये मिलेगा, उनसे ये मिलेगा, वो ये देंगे, वो ये देंगे, वो ये देंगे। किसी ने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया है, केवल अभिमान दिया है। दिया है तो अभिमान दिया है, और नहीं दिया है तो अपमान दिया है, क्योंकि अपमान भी अभिमान का ही होता है और सम्मान भी अभिमान का ही होता है। और ये भी भगवान ने इसीलिए बनाया है कि किसी का बढ़ के टूटे
और किसी का पहले ही टूट जाए, बिना अभिमान टूटे भगवान पर नजर नहीं जाती। आप अपने लिए चाह रहे हैं, आप भगवान के लिए नहीं चाह रहे हैं। भगवान पर नजर हो फिर तो परिपूर्ण हो।